Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is addressing the gathering as he launches the Make India Number One campaign. Let's listen in. 75 साल मना रहा है, लेकिन सभी के मन में एक प्रश्न है। 75 साल हो गए, 75 साल किसी भी देश के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, पर 75 साल किसी भी देश के लिए कम भी नहीं होते। 130 करोड़ भारतीयों के मन में प्रश्न है कि इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए, भारत पीछे क्यों रह गया? भारत आज दुनिया का नंबर वन देश क्यों नहीं है? भारत अमीर देश क्यों नहीं है? भारत की बहुत बड़ी संख्या आज भी गरीब क्यों है? भारत के अंदर अभी भी हर बच्चे को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिलती है? हमारे में किस चीज की कमी है? भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भगवान ने जब पृथ्वी की रचना की और इंसान बनाया, सबसे इंटेलिजेंट लोग भारत में भगवान ने पैदा किए। हमारे लोग जब दुनिया भर में जाते हैं, अमेरिका ले लो, लंदन ले लो, फ्रांस ले लो, दुनिया की कोई मल्टीनेशनल कंपनी उठा के देख लो, ऊपर आपको एक इंडियन बैठा मिलेगा नंबर वन या नंबर टू पोजीशन पे। हमारे देश के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने हार्ड वर्किंग हैं, फिर हमारा देश पीछे क्यों रह गया? भगवान ने जब पृथ्वी बनाई, भारत को सब कुछ दिया भगवान ने, सबसे खूबसूरत जगह भगवान ने भारत को बनाया। भारत में नदियां हैं, पहाड़ हैं, मिनरल्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, सारी फसलें हैं, समुद्र है, कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने, फिर भारत पीछे क्यों रह गया? आज ये प्रश्न सब लोगों के मन में है कि भारत पीछे, जो देश हमारे बाद आजाद हुए, सिंगापुर हमारे 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ध्वस्त हो गया था, हमसे आगे निकल गया आज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर में के बाद जर्मनी ध्वस्त हो गया था, आज हमसे आगे निकल गया। हम पीछे क्यों रह गए? कुछ लोग पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड, व्हाई नॉट? हमारे पास दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट किसान हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट टैलेंट है दुनिया का, फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? हमारा सिस्टम खराब है। पिछले 75 साल के अंदर इन पार्टियों और इन नेताओं ने मिलके हमारे देश के अंदर केवल राजनीति की है, गंदी राजनीति की है। इनके भरोसे अगर छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश को ये आगे नहीं बढ़ने देंगे, अगले 75 साल भी भारत पीछे रह जाएगा। अब उम्मीद केवल एक ही है, इस देश की जनता। अगर 130 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं, तो भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा देश इकट्ठा हुआ था 1947 में, जब सारा देश इकट्ठा हुआ 1947 में हमने अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया। आज अगर हम सारे जने इकट्ठे हो जाएं, भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसी मिशन पे हम लोग निकले हैं। हम लोग देश के कोने कोने में जाएंगे, हर राज्य के अंदर जाएंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर 130 करोड़ लोगों को जोड़ने का हमारा मकसद है, इसीलिए मेरी सभी लोगों से अपील है, चाहे आप बीजेपी के हो, चाहे आप कांग्रेस के हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी के हो, चाहे आप इस पार्टी के हो, चाहे उस पार्टी के हो, पार्टीबाजी नहीं कर रहे हम लोग। हमारा मकसद है जनता को जोड़ना। जो जो लोग इस देश को दुनिया का नंबर वन देश देखना चाहते हैं, आप सब लोग इस मुहिम से जुड़िए। इस मुहिम से जुड़ने के लिए इस नंबर पे मिस्ड कॉल करनी है, 9510100100। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 9510100100।
भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने का क्या मतलब है? हमें इस देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, हमें इस देश में हर भारतीय के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा, हमें इस देश में हर व्यक्ति के लिए बिजली पानी रोजगार का, हर युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। भाषण देना बड़ा आसान है, मैं भी भाषण दे सकता हूं दुनिया का नंबर वन देश बनाएंगे, लेकिन काम करना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है शिक्षा। मुझे लगता है 1947 में हम लोगों से एक गलती हुई थी, जैसे ही देश आजाद हुआ, आजाद भारत को सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा पे देनी चाहिए थी। 1947 में ही हमें मिशन मोड में, वॉर मोड में, हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर अच्छे सरकारी स्कूल, फ्री शिक्षा, शानदार शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के वक्त भी नहीं किया और अब 75 साल के अंदर भी हमने शिक्षा के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकता भारत, अब हमें वॉर मोड में पूरे देश के अंदर अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना है। मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने अभी 5 सितंबर को ऐलान किया कि 14,500 स्कूलों को केंद्र सरकार पूरे देश में अपग्रेड करेगी। बहुत अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं उनको। लेकिन देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। अगर 14,500 स्कूलों को किया जाएगा तो 100 साल लग जाएंगे सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने में। अब भारत इंतजार नहीं कर सकता, 130 करोड़ लोग बेचैन हो रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, कि सारी राज्य सरकारों को एक साथ लीजिए और वॉर मोड में, मिशन मोड में हम अपने 10 लाख सरकारी स्कूलों को 5 साल के अंदर ठीक करके दिखाएंगे। इसका प्लान बनाते हैं, सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूलों को ठीक किया, पूरे देश के अंदर भी ठीक कर सकते हैं, हम उसके लिए तैयार है। जो मदद हमसे चाहिए हम उसको करने के लिए तैयार है। दिल्ली में हमने कम पैसे में और बहुत शानदार स्कूल बना दिए। अब पंजाब के अंदर मान साहब सरकारी स्कूलों को ठीक करने में लगे हुए हैं, वहां भी ठीक करेंगे, पूरे देश के अंदर अपने को मिलके करने हैं। देश में इस टाइम एक गलत ट्रेंड चल रहा है, जैसे हरियाणा के अंदर मौजूदा सरकार ने लगभग 190 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, उसके पहले की केंद्र कांग्रेस सरकार ने 700 स्कूल बंद कर दिए इन दोनों सरकारों ने मिलकर पिछले कुछ सालों में। सरकारी स्कूल अगर हम बंद करते जाएंगे तो गरीबों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? कहते हैं सरकारी स्कूल में बच्चे कम आते हैं, कम आने लग गए। आपने सरकारी स्कूलों का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया कि गरीब आदमी भी अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजता, वो अपना पेट काट के 2 टाइम की रोटी कम खा लेगा, प्राइवेट स्कूल में भेजना चालू कर दिया। आप सरकारी स्कूलों को बंद करने की बजाय उनको शानदार बना दो, देखो बच्चे आने लग जाएंगे।